दोस्तों देखिए, इस टाइप का मैंने दो अनार बोम बनाया है और दोस्तों इसको मैंने घर पे बनाया है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बनाकर दिखाते हैं कैसे इस दो अनार बोम को मैंने बनाया है घर पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अनार बोम को बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक पेपर, पेपर को इस तरीके से मोड़ देना चाहिए और फिर राउंड शेप में देना चाहिए। इस तरीके से इसको राउंड शेप में दे देते हैं और दोस्तों हमारा यहाँ पर चोंग बन के तैयार हो गया। दोस्तों देखिए एक फोंपू जैसा तैयार है और दोस्तों इसको एक ग्लू के मदद से चिपका देना चाहिए। मैं टेप से चिपका देता हूँ। दोस्तों इसको इस साइड पे टेप के मदद से चिपकाते हैं। और दोस्तों बाकी जो पार्ट है यहाँ पर भी ग्लू लगाना होगा। ग्लू के मदद से बाकी का पार्ट चिपका दिया क्योंकि बढ़िया से मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लू लगा दिया। दोस्तों ये हमारा चोंग बढ़िया से मजबूत हो गया। दोस्तों इसके अंदर फ्यूल डालना होगा। दोस्तों फ्यूल के लिए चाहिए इस तरीके का मैच बॉक्स और दोस्तों ये सारे मैच बॉक्स का तिल्ली से बारूद को निकाल लेना है। सारे के सारे बारूद को निकाल लेना है। दोस्तों फटाफट निकाल लेते हैं। तो गाइस वो मैच बॉक्स का तिल्ली से सारा बारूद को निकाल लिया। इसके अंदर वो बारूद को डालना होगा। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर एक फ्यूज लगाना होगा जिससे हम आग को लगा सके। दोस्तों फ्यूज के लिए मैं यूज करूंगा इस टाइप का एक चीज। मैं इसको यहाँ से बाहर करूंगा, बाहर कर दिया। अब इसके अंदर बारूद को डाल दूंगा, सारे के सारे बारूद को इसके अंदर डाल दूंगा। दोस्तों डाल दिया। दोस्तों सारे के सारे बारूद को डाल दिया अंदर। दोस्तों बारूद को डाल देने के बाद इस टाइप का एक पेपर लेना है और इसको मोड़ के यहाँ पर घुसा देना है। और दोस्तों घुसा देने के बाद इसको बाहर से मोड़ देना है। इस तरीके से आपको मोड़ देना चाहिए बढ़िया से मोड़ देना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर टेप लगा देना चाहिए क्योंकि बढ़िया से मजबूत हो जाएगा। दोस्तों ये अनार को अच्छे दिखाने के लिए आप कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस टाइप का मैंने दो रॉकेट बनाया है और दोस्तों इसको कैसे बनाया है वो आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। दोस्तों इस रॉकेट बम को बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरीके का दो पेपर और दोस्तों राउंड शेप देने के लिए इस तरीके का एक चीज। इस चीज के मदद से ये पेपर को राउंड शेप में दे दिया। दोस्तों राउंड शेप में दे दिया। अब टेप के मदद से इसको चिपका दूंगा। दोस्तों टेप के मदद से इसको राउंड शेप में दे दिया। अब थोड़ी सी ग्लू की मदद से ये जो पार्ट है इसको भी चिपका दूंगा ताकि बढ़िया से मजबूत हो जाए हमारा रॉकेट। तो चिपका दिया ग्लू के मदद से ये जो बाकी सब पार्ट था। और दोस्तों अब हमें इसके अंदर बारूद को डालना होगा जो कि ये हमारा मैच बॉक्स का तिल्ली से निकालना होगा। दोस्तों ये मैच बॉक्स का तिल्ली से बारूद को निकाल लेते हैं। दोस्तों इस रॉकेट का एक साइड को इस पेपर को फोल्ड करके बंद कर देना है। इस तरीके से बंद कर दिया। अब इसको डाल दिया। अब इसको चिपका देते हैं।
ये हमारा रॉकेट बन के तैयार हो गया। कुछ झाड़ू का तिल्ली को लेकर इसका साइड में है, इस तरीके से चिपका देना है क्योंकि ये हमारा रॉकेट बॉम्ब जैसा लगेगा। अब दोस्तों ये जो ए वाला पार्ट है, पहला पार्ट है, इस पे रॉकेट जैसा शेप देना होगा। दोस्तों ग्लू के मदद से चिपका दिया इसको। दोस्तों ये हमारा रॉकेट बनके तैयार हो गया, रॉकेट जैसा लग रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दो रॉकेट बना दिया है। दोस्तों अब इसको टेस्ट करूंगा क्या ये सही से वर्क करेगा। चलिए दोस्तों टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों पहले ये जो बॉम है, तो बॉम को निकाल लेना है। एक दो और यहाँ पर तीन। दोस्तों ये तीनों बॉम को यूज करके वो चागरी बॉम बनाएंगे। पहले इस बॉम को इसको कस के इसका अंदर वाला जो बारूद है उसको नरम कर लेना, फिर इसको राउंड शेप में देना है। दोस्तों ये बनके तैयार हो गया हमारा चाकरी बॉम। और दोस्तों ये जो बॉम है इसको बहुत ज़्यादा नरम करना है, ये जो बारूद है इसको बहुत ज़्यादा कस के नरम करना है, फिर इस तरीके से कर लेना है, फिर ये हमारा अनार बनके तैयार हो गया। दोस्तों ये रॉकेट बॉम को बनाने के लिए आपको ये जो बॉम है इसको भी थोड़ा सा नरम कर लेना है, ये जो बारूद है इसको कस के नरम कर लेना है, और फिर ये जो लकड़ी है इसको इस तरीके से टेप के मदद से चिपका देना है। दोस्तों ये हमारा रॉकेट बॉम बनके तैयार हो गया। दोस्तों ये जो तीनों बॉम है इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों अंधेरे होने तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अंधेरा हो गया, आप इसको टेस्ट करेंगे, वो तीनों बॉम को टेस्ट करेंगे। दोस्तों अनार को टेस्ट कर लिया, अब हमें वो रॉकेट को टेस्ट करूंगा। दोस्तों रॉकेट और अनार को टेस्ट कर लिया, अब वो चाकरी बम को टेस्ट करूंगा। और दोस्तों इस टाइप के मैंने दो फायर क्रैकर घर पे बनाया है। और दोस्तों इसको मैंने कैसे बनाए वो आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करता हूँ और आपको इसको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों इस फायर क्रैकर को बनाने के लिए आपको चाहिए पहले इस टाइप का दो पेपर और फिर आपको चाहिए ग्लू। दोस्तों ग्लू के मदद से इसको राउंड शेप में देना होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको राउंड शेप में देना होगा। दोस्तों राउंड शेप में दे दिया, अब एक साइड को चिपकाना यानी कि बंद कर देना होगा। दोस्तों एक साइड को बंद कर देते हैं।
दोस्तों एक पेपर को इस तरीके से मोड़ के एक साइड को बंद कर देना है इस तरीके से। दोस्तों बंद कर दिया, आप ग्लू के मदद से चिपका देना है क्योंकि बहुत ही मजबूत होना चाहिए। दोस्तों एक साइड बंद कर दिया, अब यहाँ पर बारूद को डालना होगा। दोस्तों बारूद को बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरीके का मैचस्टिक। मैचस्टिक से ये तिल्ली से सारा बारूद को निकाल लेना चाहिए। दोस्तों सारा बारूद को निकाल लेते हैं, दोस्तों ये तिल्ली से सारा बारूद को निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तिल्ली से सारा बारूद को निकाल लिया, अब इसके अंदर बारूद को डालना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर बारूद को डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा घुसा देते हैं अंदर क्योंकि बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अब दोस्तों फ्यूज देना होगा, फ्यूज के लिए हम इस तरीके से एक फ्यूज को यूज करूंगा। दोस्तों यहाँ पर फ्यूज को दे देते हैं और फिर इसको बहुत ही टाइटली बंद कर देते हैं। तो इसके मदद से बंद कर दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पर बंद कर दिया। अब हमारा ये जो पटाखा है ये बनके तैयार हो गया। दोस्तों इसको टेस्ट करूंगा, देखूंगा क्या ये सही से वर्क करेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दो फायर क्रैकर्स बनाया है और दोस्तों इसको टेस्ट करना है क्या ये सही से वर्क करेगा। आई डोंट नो क्या होगा, चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं।